नमस्कार, द रूस्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमिलनाडु की राजनीति पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा उथल पुथल के साथ आपको दिख रही है। जयललिता की मृत्यु के बाद एडीएम के दो खेमों में बढ़ चुका था। एक खेमा है ईपीएस एंड ओपीएस का, जो कि अभी तत्कालीन सीएम है तमिलनाडु के। दूसरा खेमा है टीटीवी तिनागरन और शशिकला का। शशिकला जो कि बैंगलोर की जेल में अभी अंदर है, उसके बाहर टीटीवी तिनागरन उनका सारा कारोबार संभाल रहे हैं, यानी राजनीतिक तौर पर भी और पर्सनल तौर पर भी। यहां पर अब केस ये आया है, जो टीटीवी तिनागरन के साथ जो 18 एमएलए गए थे उस समय पार्टी ने उनको बाहर निकाल दिया था। पार्टी ने जब बाहर निकाला तो उस समय के जो गवर्नर थे उन्होंने उनकी जो मान्यता है, एमएलए की मान्यता है, उसको खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ ये 18 लोग मद्रास हाई कोर्ट अपील करने गए और उन्होंने ये कहा कि हम जनता से चुन के आए हैं, हमारी एमएलएशिप को इस तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। उनको चैलेंज किया था। आज उसका वर्डिक्ट जो है 1 बजे आने वाला है। अगर ये 18 लोग इस केस को हार जाते हैं तो ईपीएस और ओपीएस का जो खेमा है ये बना रहेगा, ये सरकार बच जाएगी। अगर ये लोग जीत जाते हैं तो ये सरकार गिर सकती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये लोग जीत जाते हैं और फ्लो टेस्ट होता है और ये 18 लोग सरकार के खिलाफ अपना वोट देते हैं तो ये सरकार गिर जाती है। ये सिर्फ 18 लोग नहीं है, इसके साथ 3 और ऐसे एमएलए हैं जो अभी एडीएमके के साथ ही हैं, लेकिन एडीएमके के खिलाफ बयानबाजी करते आ रहे हैं। खैर, अगर ये लोग जीत जाते हैं और इनमें से कुछ 8-10 लोग बट के एडीएमके के खेमे में चले जाते हैं तो भी ये सरकार बच सकती है। इसके बाद अगर आप देखें तो ऐसे भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि टीटीवी तिनागरन और डीएमके, यानी जो स्टालिन और करुणानिधि जी की जो पार्टी है, ये दोनों लोग अगर हाथ में ला लें तो भी ये सरकार गिर जाएगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर ये पास हो जाता है और फ्लो टेस्ट होता है तो देखने में दिलचस्प ये रहेगा कि आखिर ये 18 लोग किस तरफ जाके खड़े होते हैं। 18+3 यानी वो जो 3 एमएलए जो है जो अभी भी एडीएमके के साथ हैं लेकिन टीटीवी तिनागरन का साथ देते हैं, यानी ये 21 जो लोग हैं ये ऐसे लोग हैं जो आज ये फैसला करेंगे कि तमिलनाडु की सरकार रहेगी या फिर डहेगी। कहा यह जाता है कि जो तमिलनाडु की जो सरकार है वो केंद्र की कठपुतली बन चुकी है, यानी जो केंद्र चाहता है, जो मोदी सरकार चाहती है, वो तमिलनाडु की सरकार कर रही है। जैसे कि नीट के खिलाफ जयललिता जी ने बहुत शोर मचाया, नीट को यहाँ आने तक नहीं दिया, नीट जो एग्जाम है, मेडिकल एग्जाम है, उसको आने नहीं दिया। जैसे ही जयललिता जी की मृत्यु हुई और ईपीएस और ओपीएस का जो सरकार बनी, उसके फौरन बाद नीट के ऊपर दस्तखत कर दिए गए। अगर आप जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में भी ऐसा ही था। जयललिता जी जीएसटी के सख्त खिलाफ थी, उसको भी पारित कर दिया गया। कावेरी रिवर, जो बहुत पुराना रिवर इशू है, कावेरी का इशू जो है, उस पर भी जयललिता जी ने बहुत कड़े कदम उठाए थे, उसको भी इन लोगों ने धराशायी कर दिया। तो एक तरह से अगर आप देखा जाए तो जयललिता के जो फॉलोअर्स हैं, जो जयललिता जी की सरकार को आगे बढ़ाने का दावा करते हैं, हकीकत ये है वो उन तमाम चीज़ों के विरोध में जाके, जयललिता जी के की इच्छाओं के विरोध में जाके दस्तखत करे जा रहे हैं जो केंद्र चाहता है। तो एक तरह से अगर आप देखा जाए, जिस तरह से केंद्र इनको नचाना चाहता है उस तरह से ये लोग नाच रहे हैं। अगर आप देखें पूरा जो साउथ इंडिया है, वहाँ पर तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर बीजेपी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है और बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है कि कैसे भी यहाँ पे अपना कदम जमा लिया जाए, जिसका एक और पहलू ये है कि रजनीकांत के ऊपर उनकी नज़र बनी हुई है। रजनीकांत जी जो हैं एक तरह से एक और प्लान बी हैं बीजेपी के लिए। अगर एडीएमके का साथ इनको सही से नहीं मिल पाता है नियर फ्यूचर, तो रजनीकांत जी का साथ लेके ये लोग तमिलनाडु के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर सकते हैं। तो बहुत दिलचस्प है, बने रहे। हम सीधे आपको मद्रास हाईकोर्ट से लाइव आएंगे 1 बजे कि वहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। बने रहे हमारे साथ द रूस्ट न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।